हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अभी सेफ होंगे। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे हम ऑप्शन सेलिंग में यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। मैंने जो यहाँ पे प्रॉफिट अर्न किया आप लोगों ने टाइटल थंबनेल में देख लिया होगा। तो इस ट्रेड को लेने के पीछे का लॉजिक क्या था, क्यों मैंने ट्रेड ली, कैसे एनालिसिस करते हैं चार्ट को, मेरी स्ट्रेटजी क्या है, सेटअप क्या है और साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ऑप्शन सेलिंग में क्या प्रॉफिट्स होते हैं, क्या लॉस होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आपको मैं दिखा दूँ कि यहाँ पे जो मैंने प्रॉफिट किया था, यहाँ पे एक्सपायरी आप देख सकते हो 24 की थी और मैंने यहाँ पे 23,000 का यहाँ पे जो है कॉल शॉर्ट करके रखा हुआ था, क्योंकि मुझे लगता था कि इतने तारीख तक यहाँ पे नहीं जाएगा। तो यहाँ पर आप ये प्रॉफिट देख सकते हो, ये फीस देख सकते हो, प्रीवियसली जितनी भी ट्रेड है सब आपके सामने है। यहाँ पे जितनी भी ट्रेड है सब, कुछ में लॉस हुआ, कुछ में प्रॉफिट हुआ। और एक चीज़ अगर आप ध्यान दोगे तो क्वांटिटी की बात अगर मैं यहाँ पे करूँ, यहाँ पर आप क्वांटिटी देखो 600 क्वांटिटी है, 500 क्वांटिटी है, लेकिन अगर ये मेरा क्योंकि 150 525 इस तरह करके मेरा ऑर्डर फिल हुआ है। और अगर आप प्रीवियसली ट्रेड्स देखोगे तो मैंने यहाँ पे क्वांटिटी 900 क्वांटिटी में ट्रेड्स ली है, लेकिन उसके बाद मैंने अपनी क्वांटिटी को बहुत कम कर लिया, 100 150 120 तक कर लिया है। और ये चीज़ मैंने आप डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, मैंने यहाँ पर ये सिग्नल देते टाइम अपडेट भी किया था कि हम लोग की विनिंग स्ट्रीक्स चल रही है, विनिंग स्ट्रीक्स पर मैं वीडियो बनाऊंगा। मैंने बोला था वो चल रहा है, हम लोग को जो अपनी क्वांटिटी है वो कम करके चलनी है, क्योंकि हम लोग का लगातार फायदा हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग का लॉसेस भी आने वाले हैं। ठीक, तो ये चीज़ें मैंने बताई थी, क्वांटिटी मैंने कम कर ली। मैंने पूरा अकाउंट आप लोग के सामने दिखा दिया, ये अकाउंट अगर मैं आप लोग को बताऊं, यहाँ पर वॉलेट बैलेंस आप देखो 600 डॉलर का अकाउंट है ये। ठीक है, अभी वन मंथ भी नहीं हुए हैं, 1800 डॉलर हम प्लस जा चुके हैं, हमने प्रॉफिट भी बहुत किए, लॉसेस भी बहुत किए हैं यहाँ पे अकाउंट में, बट ओवरऑल हम प्रॉफिटेबल हैं यहाँ पे। ठीक, एक चीज़ मैं आपको और दिखा दूँ, अगर अकाउंट एनालिसिस में जाते हो तो यहाँ पर जो मैंने फीस दी है, ठीक है, अगर आप देखो तो मैंने 30 डेज़ में अगर आप देखो तो सिर्फ 84 डॉलर मैंने फीस दी है यहाँ पे। तो इस चीज़ का भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना, जो प्रॉफिट हुए लॉस हुए उसके बाद मैंने 84 डॉलर यहाँ पर फीस दी है, तो इसमें अगर आप चाहो तो 40 डॉलर आप प्रॉफिट में ऐड कर सकते हो, अगर लॉसेस साइड भी काटो तो। अब मेनली आते हैं कि हमने ट्रेड क्यों ली थी, क्या रीज़न था। देखो, ट्रेड लेने के लिए सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे कुछ भी ज़्यादा इतना बड़ा, देखो काफ़ी लोग क्या करते हैं, EMA लगा देंगे, EMA लगा देंगे, बोलिंजर बैंड लगा देंगे, चार्ट को इतना गंदा कर देंगे कि समझ में ही नहीं आता कुछ चार्ट पे कि एटलीस्ट उनको करना क्या है। ठीक, तो ये सबसे गलत चीज़ होती है। मेरा क्या मानना था कि मार्केट देखो इतना बड़ा मूव किया मार्केट ने, थोड़ा सा गंदा करूंगा मैं चार्ट को समझाने के लिए, मार्केट ने इतना बड़ा मूव लिया, ठीक, एक बार रिकवरी करने का ट्राई किया और नॉर्मल सेलिंग आ गई, यहाँ पे रिकवरी करने का ट्राई किया फिर ऊपर गया। अब मेरे हिसाब से मार्केट इतना गिरने के बाद 17,000 से मार्केट सीधा 20,000 चला गया था डेली में। ठीक, इस जगह पर मैंने कॉल शॉर्ट किया था, रीजन बीइंग कि मुझे पता था 17,000 के बाद मार्केट वी शेप में रिकवरी नहीं ले सकता, 24 तारीख तक मार्केट को वीकेंड पे ड्रॉप होना ही होगा और मार्केट वीकेंड तक यहाँ तक जा ही नहीं सकता, क्योंकि मार्केट कभी भी इस तरह रिकवरी नहीं करता, मार्केट कभी इस तरह नहीं चलती है। मेरे हिसाब से मार्केट को साइडवेज होना चाहिए था और मैं साइडवेज में ही प्रॉफिट अर्न करूँगा, जो डेल्टा मुझे मिलने वाला है यहाँ पे, जो थीटा मुझे मिलने वाला है, मैं उसका यहाँ पे टाइम डिके की जितनी भी वैल्यू होगी मैं उसको अर्न करूँगा, मेरा टोटली प्लान ये था। ठीक, उसके बाद एक लॉजिक मैं आपको और देता हूँ, ठीक, इसको हटा देते हैं और मैं आपको दूसरा लॉजिक देता हूँ ट्रेड के पीछे का। यहाँ पे भी अपनी ट्रेड चल रही है तो इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक लॉजिक देता हूँ, जितने भी दिन पे यहाँ पे मार्केट नीचे गई है कभी भी मार्केट ने प्रीवियस डे के हाई पे क्लोज नहीं किया। अगर आप देखो आज भी ऐसा नहीं हुआ कि प्रीवियस डे के हाई पे मार्केट ने क्लोज किया हो, तो ये भी मेरे पास एक रीज़न था। उसके बाद आते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। एक बार को लिए मेरी पोजीशन जो है माइनस में भी गई थी थोड़ा सा, बट मैंने इसको कैसे संभाला, कैसे क्या साइकोलॉजी थी, उस चीज़ों के बारे में बताता हूँ। स्क्रीनशॉट में आपको दिख रहा होगा कि मैंने जब ये पोजीशन ली तो आपको स्क्रीनशॉट में या तो 20 600, मैं आपको बता देता हूँ पोजीशन मैंने ली का, पोजीशन मैंने 20 600 के पास तक ली थी। ठीक है, उसके बाद आपको दिख रहा होगा कि हम थोड़े से प्रॉफिट में चल रहे हैं, मार्केट यहाँ तक आई, 19700 तक आई, बहुत अच्छे प्रॉफिट में हम थे, बट मुझे पता था ये एरिया बाउंस बैक का है, मार्केट 21600 तक गई। ठीक, एक चीज़ का ध्यान रखना, हम लोग ने 20600 पे पोजीशन ली, 20600 के बाद मार्केट 21100 पे गई, तो आप देखो हम प्रॉफिट में ही हैं, प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ बट हम प्रॉफिट में हैं, मार्केट हमारे अगेंस्ट गई बट हम यहाँ पे प्रॉफिट में फिर भी हैं। स्क्रीनशॉट में आपको दिख रहा होगा मार्केट फिर नीचे आई, हम फिर प्रॉफिट में थे और मार्केट सीधा यहाँ से 21600 700 तक चली गई, 800 तक भी गई थी। ठीक है, एक्सचेंज के प्राइस पे देखा जाए तो प्राइस में जो वॉलिटिलिटी होती है उसमें, आप देखो हमने जहाँ से पोजीशन ली 1000 डॉलर हमारे अगेंस्ट पोजीशन गई बट हमारा सिर्फ प्रॉफिट कम हुआ, हम लॉस में नहीं आए उसके बाद भी। ठीक, अब किस केस में अपना लॉस होता, लॉस इस केस में होता कि मार्केट शार्पली यहाँ से ऊपर चली जाती, अपना लॉस हो जाता। मार्केट इस तरह भी ऊपर जाती ना, अपना कोई भी लॉस नहीं था यहाँ पे, मार्केट इस तरह साइडवेज होती कोई लॉस नहीं था, मार्केट इस तरह नीचे आती तो अपना प्रॉफिट था। फिर मार्केट ने क्या किया, 21,000 से शार्पली ड्रॉप किया तो मुझे मेरा प्रॉफिट 160 डॉलर दिखाया, जो कि मुझे टोटल प्रीमियम 180 डॉलर का मिलना था। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, डेल्टा एक्सचेंज पर जाते हैं, ठीक है, और ऑप्शन पर जाते हैं और आपको स्क्रीनशॉट में दिख रहा होगा, खैर थोड़ी यहाँ पे क्या दिखाने की जरूरत है, तो स्क्रीनशॉट में आपको दिख रहा होगा, तो अभी आपको स्क्रीनशॉट में यहाँ पे दिख गया होगा कि टोटल मुझे यहाँ पे 180 डॉलर तक मिलने वाले थे, तो मुझे यहाँ पे 160 तक का प्रॉफिट दिखा और मुझे दिखा मार्केट शार्पली ड्रॉप हुई है। तो कोई बड़ी बात नहीं कि शार्पली यहाँ से रिकवर कर जाए इस पॉइंट तक, तो अगर रिकवर करती है जो मेरा प्रॉफिट है वो यहाँ से जा सकता है और उसके बाद मार्केट अगर एक यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट भी देती है यहाँ तक तो मुझे लॉस हो सकता है। देखो
ऑप्शन में अगर आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो, अगर आपको 80% तक डीके हो जाता है और मार्केट शार्प ड्रॉप हो जाती है, आपने कहीं से ट्रेड लिया, मार्केट वहाँ से साइडवेज घूम रही है, आप पोजीशन होल्ड कर लो, मार्केट धीरे धीरे नीचे जा रही है, आप पोजीशन होल्ड कर लो, शार्पली ड्रॉप हुई तो आप पोजीशन अगर डेली एक्सपायरी है तो ठीक है, बट अगर आप देखो 22 है 23 24 दो दिन के अंदर मार्केट पॉजिटिव हो सकती है, तो मुझे जब 80% तक का प्रॉफिट मिल गया तो मैंने यहाँ पे एग्जिट करना सही समझा और मैंने एग्जिट कर लिया। अब यहाँ पे गलती क्या हुई, एग्जिट करते टाइम अगर आप एग्जीक्यूशन प्राइस देखोगे तो आपको दिख गया होगा, वीडियो आप यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, ऑर्डर हिस्ट्री में मेरा एग्जीक्यूशन प्राइस 50 का था, ठीक, जो कि मुझसे गलती हुई, मैंने थोड़ा जल्दबाजी में यहाँ पे, मतलब मैं लैपटॉप पे था, मैं दूसरी ट्रेड्स में भी था, तो मैंने यहाँ पे कर लिया एग्जीक्यूट जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर बात डॉलर्स की नहीं बात रूल्स की है तो 50-20 चल रहा था, तो यहाँ पे 30 या 20 डाल के प्राइस रखता तो मेरा जो है एग्जीक्यूशन जो है वो थोड़ा सा पॉसिबल था, बट मैंने मार्केट ऑर्डर पे करना कर दिया तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया, तो $20-25 कम मिले, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे क्या सीन था, ठीक है, कैसे हमने यहाँ पे प्रॉफिट अर्न किया, कैसे क्या चीज़ें वर्क करती है मार्केट में और क्या रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए, कैसे साइकोलॉजी में करनी चाहिए। और एक चीज़ को मैं आपको बता दूँ, बहुत ही क्लियरली बता दूँ, मार्केट में आप जितने ज़्यादा भी यहाँ पे सेटअप लगाओगे, जितने ज़्यादा भी आप लाइन खींचोगे, जितनी ज़्यादा चीज़ें करोगे, उतना आपको मार्केट में नुकसान होने वाला है। अगर आप यहाँ से मुझसे सीखते हो सारी चीज़ें जो मैं सिखाता हूँ, वो आप लर्निंग करने की कोशिश करते हो, तो मार्केट में इस तरह छोटे मोटे लॉजिक से भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। ओवरऑल इस वीडियो में मैं आपको लॉजिक फिर से एक्सप्लेन करता हूँ कि मार्केट जब भी गिरती है और गिरने के बाद शार्प रिकवरी करने के बाद मार्केट दोबारा यहीं से शार्प रिकवरी 90% केस में नहीं करती है, 10% केस में कर जाती है, तो हमारे स्टॉप लॉस वहाँ पे था। और यहाँ और हाँ एक चीज़ मैं और बता दूँ, जब मैंने पोजीशन ली तो यहाँ पे जो बाइंग और सेलिंग के बीच में स्प्रेड बहुत चला था, जैसा आप अभी भी देख सकते हो 20 से 60 का, तो मैंने जो 60 था 60 के पास 50 का, यानी जब उस टाइम पे 220 और 385 का स्प्रेड चल रहा था, तो मैंने 380 पे ऑर्डर रखा था, तो मेरी एंट्री आप देख सकते हो कि उसी नियर अबाउट थी, ठीक है, वीडियो रिवर्स करके देखोगे। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है जो आपको ध्यान देना होता है, और अगर आपको अभी भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप जाना प्लेलिस्ट में, आपको वीडियोस मिलेंगे ऑप्शन की, आप उसको देख लेना, और डिस्क्रिप्शन में मेरे चैनल का लिंक मिलेगा आपको टेलीग्राम का, आप उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे भी सारी चीज़ें मैं बताता रहता हूँ। इस वीडियो को बनाने का मोटिव सिर्फ इतना है कि इतने छोटे छोटे लॉजिक से भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। अब मैं और भी डेली ट्रेड्स करूंगा, अभी डेल्टा एक्सचेंज में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, जब वो प्रॉब्लम सही हो जाएगी, उनके टीम की तरफ से कहा गया है, तो हम यहाँ पे और बहुत सारी ट्रेड्स करेंगे और भी अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे अर्न करेंगे। मे बी ये वीडियो आपको थोड़ा सा लेट मिले, आपको पहले बिटकॉइन अपडेट की वीडियो मिलेगी जो मैं इसके बाद रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, तो इन सारी चीज़ों को समझो, और मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा कि बिटकॉइन में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, लेकिन ये थोड़े से प्राइस एक्शंस हैं जिसको आप समझ जाओगे तो उतना अच्छा प्रॉफिट अर्न करना स्टार्ट कर दोगे। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो अभी आपको समझ में आई होगी, सारी चीज़ें समझ में आई होगी, कुछ नहीं समझ में आया, कुछ मोटिवेशन मिला हो अगर आपको, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा, आगे हम आपका जो है डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।